नमस्कार, स्वागत है आपका बजट अड्डा में, और जिसका नाम हमने रखा है बजट पॉलिटिकली करेक्ट, क्योंकि आज का जो बजट पेश किया गया उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसको थोड़ा डीप डाइव करके समझने की ज़रूरत है। पूरे बजट को अगर आप एक सरसरी नज़र पर देखें तो दो चीज़ों पर फोकस किया गया है, एक रूरल और स्किलिंग जॉब, और दूसरा जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं या जो टैक्स पेयर हैं 2 करोड़, उनके ऊपर और टैक्स का बोझ डाला गया है। ये है इस पूरे बजट की वन लाइनर। इसके साथ इन्होंने 2 काम और किए हैं, आंध्र प्रदेश और बिहार को तगड़े पैकेज दिए हैं, इसलिए मैंने कहा था पॉलिटिकली करेक्ट, क्योंकि दोनों इनके सहयोगी दल हैं और जो चुनाव के परिणाम आए हैं उसके बाद साफ दिख रहा है कि कहीं ना कहीं अब एक एडजस्टमेंट की भी चीज़ें हैं। तो असम बिहार को करीब करीब 60,000 करोड़ रुपये और आंध्र प्रदेश को 15,000 करोड़ रुपए के पैकेजेस, साथ में बहुत सारी स्कीम इन राज्यों को भी दी गई हैं। लेकिन कहानी इससे आगे ये है कि इनकम टैक्स के मोर्चे पे जो मिडिल क्लास बहुत उम्मीद लगा के बैठा था कि उसको कुछ फ़ायदा मिलेगा, वहाँ उसको बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ नहीं है। न्यू रिजीम जो बनाया गया टैक्स वाला, उसमें थोड़े से टिंकरिंग की गई जिससे आपको नेट गेन 17,500 करोड़ रुपये का हो सकता है अगर आप बहुत प्रूडेंटली करेंगे। तो इनकम टैक्स पे एक तो ये हुआ, दूसरा मार्केट पार्टिसिपेंट के लिए एक बड़ी अच्छी खबर नहीं है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस टैक्स बढ़ा दिया गया है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस टैक्स बढ़ा दिया गया है, और इंडेक्सेशन ख़त्म कर दिया गया है, और अक्रॉस द एसेट क्लास अब यही फार्मूला चलेगा, यानी शॉर्ट टर्म में 20% का टैक्स और लॉन्ग टर्म में 12.5% का टैक्स। तो रियल इस्टेट वाले प्लेयर्स शायद अभी समझ में नहीं पा रहे होंगे कि इनके ऊपर एक्चुअल में इम्पैक्ट किस तरीके का आया है। ये दरअसल क्यों किया गया है और इस बजट को कैसे समझा जाए, इसको हम आज समझने की कोशिश करेंगे, और मार्केट इसमें कैसे रिएक्ट करेगा, पॉलिटिकली ये बजट कैसा है, और ओवरऑल क्या ये ग्रोथ ओरिएंटेड बजट है या एक पॉपुलिस्ट बजट है। पहले सुनते हैं इनकम टैक्स और LTCG के बारे में वित्त मंत्री जी ने क्या बोला। इन द न्यू टैक्स रेजीम द टैक्स रेट स्ट्रक्चर इज प्रपोज्ड टू बी रिवाइज्ड एज फॉलोस: 0 to 3 lakh rupees, nil; 3 to 7 lakh rupees, 5%; 7 to 10 lakh rupees, 10%; 10 to 12 lakh rupees, 15%; 12 to 15 lakh rupees, 20%; and above 15 lakh rupees, 30%. As a result of these changes, a salaried employee in the new tax regime stands to save up to 17,500 rupees in income tax. For the benefit of the lower and the middle income classes, I propose to increase the limit of exemption of capital financial assets to 1.25 lakh rupees per year. Listed financial assets held for more than a year will be classified as long term, while unlisted financial assets and all non-financial assets will have to be held for at least 2 years to be classified as long term. Security transaction tax on futures and options of securities is proposed to be increased to 0.02% and 0.1% respectively. So, thodi STT bhi badha di hai. फ्यूचर ट्रेडिंग को लेकर के चिंता पहले ही जाहिर हो चुकी थी। फिस्कल डेफिसिट के पैमाने पर अच्छी खबर है, 5.1 की जगह अब और उसको नीचे लेके आ गए हैं, वो एक बड़ी अच्छी खबर है जिसको FIIs या दुनिया के बड़े निवेशक सुनते हैं। तो वहाँ पे सरकार ने ये तय किया है कि वो फिस्कल डेफिसिट को ध्यान में रखते हुए उसको कम करेंगे और खर्चे में बहुत बड़ी कटौती नहीं की, क्योंकि ओवरऑल बजट का साइज़ करीब 1 लाख करोड़ बढ़ गया है। दूसरा, जॉब के फ्रंट पे बहुत बड़े बड़े ऐलान किए गए हैं, 1 करोड़ लोगों को नौकरियों के मौके मिलेंगे, इंटर्नशिप कराई जाएगी, उसमें सरकार भत्ता देगी, साथ ही जो PF पे किया जाता है उसका कुछ हिस्सा सरकार पे करेगी। तो बड़ी भारी ऐलान है जॉब क्रिएशन या युवाओं को जॉब देने के लिए, क्योंकि अभी चुनाव में ये बहुत बड़ा एक मसला बना था। आइए इस पर सुनते हैं, फिर चर्चा शुरू करेंगे। The fiscal deficit is estimated at 4.9% of the GDP. The fiscal consolidation path announced by me in 2021 has served our economy very well.
and we aim to reach the deficit below 4.5% next year. तो ये तस्वीर पूरी बजट की आपके सामने है, जो मोटी मोटी सामने आ रही है, इसको चलिए डिकोड करते हैं। बातचीत करने के लिए हमारे साथ जो गेस्ट हैं उनके परिचय कराता हूँ। बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप के चेयरमैन एशिया पैसिफिक जन्मेजय सिन्हा जी हमारे साथ हैं। हिरणदानी ग्रुप के MD निरंजन हिरणदानी जी हैं। ICB हैदराबाद के प्रोफेसर प्रसन्न तंत्री जी हमारे साथ हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका, बहुत शॉर्ट नोटिस पर हमारे साथ जुड़े आप। और पाइपर सेरिका के फाउंडर अभय अग्रवाल जी, साथ ही वरिष्ठ पत्रकार अनिल पंजावल जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। पहले एक बहुत क्विक कमेंट में सबसे जाऊंगा कि वो हमें दे। जन्मेजय सर आपके साथ, कैसा लगा आपको बजट, ग्रोथ ओरिएंटेड है या पॉपुलिस्ट? देखिए इन द अभी जो कॉन्टेक्स्ट है दुनिया की और इंडिया की, उसमें तो मुझे ये बहुत ग्रोथ ओरिएंटेड बजट लगा, क्योंकि तीन चीज, एक तो फिस्कल कंसोलिडेशन पाथ को अभी तक हम लोग अपनाए जा रहे हैं, दूसरा दोनों डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस को लेके 6 महीने में पूरा ओवरहॉल ओवरव्यू किया जाएगा, तीसरा GST को सिंप्लीफाई एंड एक्सटेंड किया जाएगा। तो बेसिक टैक्स स्ट्रक्चर और बेसिक फिस्कल कंसोलिडेशन और उसके साथ इंफ्रास्ट्रक्चर पर 11 लाख करोड़ से ऊपर खर्च किया जाएगा, तो ये बेसिक्स प्लेस में है। उसके बाद जो 9 एरियाज पर ऐलान किया गया है, वो तो डिटेल में पढ़ने के बाद समझ में आएगा कि क्या उसमें होगा क्या नहीं होगा, मगर ओवरऑल उसमें भी नंबर 9 पॉइंट में जो था, नेक्स्ट जेनरेशन रिफॉर्म्स फैक्टर कॉस्ट का प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण रिफॉर्म है, क्योंकि उससे नेक्स्ट स्टेज ऑफ इकोनॉमी को आगे बढ़ने में बढ़त होगी। जी प्रोफेसर तंत्री सर, आपने तो बिल्कुल अब तक इसका पोस्टमार्टम कर लिया होगा, कैसा लगा आपको बजट? क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से ये बजट पेश किया गया है, ये कंजम्पशन ड्राइव करेगा, ग्रोथ आएगी, उससे नौकरियां मिलेंगी और लोग इंटर्नशिप कर पाएंगे? नमस्ते, मुझे लगता है कि ये जो फोकस है जो स्किल डेवलपमेंट के ऊपर, ये बहुत जरूरी है। इंडिया में अगर नंबर 1 कोई प्रॉब्लम है अभी, इट्स अ लैक ऑफ स्किल्स। सो अगर नौकरी नहीं होगी, इनकम नहीं होगी, तो कंजम्पशन नहीं होगा। जो फ्री बीस के द्वारा जो कंजम्पशन है वो सस्टेनेबल नहीं हो सकता। तो जो स्किल गैप एड्रेस करने के लिए, और सरकार ने सॉर्ट ऑफ एडमिशन किया है कि ऑफिशियल जो मशीनरी ऑफिशियल प्रोग्राम में स्किल डेवलपमेंट नहीं होता, तो मार्केट के डिमांड के, यू नो, वट एवर इज द डिमांड इन द मार्केट, प्राइवेट कंपनी में काम करके इंटर्नशिप के द्वारा, ये मध्य प्रदेश ने शुरू किया था, आपको याद होगा सीखो कमाओ योजना, दिस इज अ सॉर्ट ऑफ दैट ओनली। तो इसको एम्फोसिस करना, आई थिंक इट्स अ वेरी गुड थिंग। और CSR बजट को इसमें यूज करना, वो भी बहुत बड़ी, यू नो, गवर्नमेंट कंपनीज का CSR बजट 10,000 करोड़ है, इफ यू ऐड प्राइवेट कंपनीज 40,000 से 50,000 करोड़ है इस साल। तो आई थिंक ये एम्फोसिस ऑन स्किल डेवलपमेंट इज अ मेजर शिफ्ट, ये बहुत बिग चेंज फ्रॉम फोकस ऑन फिजिकल कैपिटल बिफोर। एंड मेरा कंप्लेंट है टैक्सेशन के बारे में, नेक्स्ट राउंड जब आएंगे तब बात करूंगा, बट ऑन अ मेजर पॉइंट, इनका जो एजम्पशन है कि जस्ट बिकॉज मार्केट इज अप, GDP टू स्टॉक मार्केट रेशियो कुछ 120% हो गया, इसके मतलब इसलिए ओवर हीटिंग हो रहा है, लोग बहुत डेरिवेटिव कर रहे हैं, इससे फाइनेंशियल क्राइसिस होगा, ये सब क्वेश्चनेबल है, इसका कोई आधार नहीं है। तो जो आर्ग्यूमेंट इन्होंने दिया है उसको, उसमें अदर देन जस्ट समरी स्टैटिस्टिक्स, उससे कुछ भी नहीं है, उसके बेसिस पर टैक्स लगाना मुझे लगता है वो बहुत गलत है। सो 80% ऑफ द बजट, वाइल इट इज गुड, इम्पोजिंग टैक्स बेस्ड ऑन सर्टन अजम्पशंस, मुझे लगता है वो बहुत वो एक गलत हो गई। और मुझे ये नहीं लगता कि ये पॉपुलिस्ट बजट है, जैसे 4.5% नेक्स्ट ईयर, लास्ट ईयर फिस्कल डिफिसिट 5.8 का था, 5.6 किया है, तो ये 4.9 भी इससे कम भी हो सकता है, क्योंकि आप देखिए इनका जो टैक्स ग्रोथ एजम्पशन है सिर्फ 10.5%, नॉमिनल GDP ग्रोथ इज 10.5, टैक्स ग्रोथ 10.5, लास्ट ईयर ऑन अ 9.5 नॉमिनल GDP टैक्स ग्रोथ वाज 12%। ये बहुत ही कंजर्वेटिव बजट है। यू नो वन थिंग विच विल स्टैंड आउट अबाउट दिस फाइनेंस मिनिस्टर इज क्रेडिबिलिटी। तो वो सब, आई थिंक 90% ऑफ द बजट इज ग्रेट, एक्सेप्ट इंक्रीजिंग टैक्सेस ऑन फ्रिंची अजम्पशंस ऑन समरी, यू नो, बेस्ड ऑन सम रफ समरी एविडेंस, उसको अवॉइड करना चाहिए था, अदरवाइज आई थिंक इट्स अ वेरी गुड बजट।
ओके हीरानंदन जी, आपका व्यू, क्योंकि आपके सेक्टर में तो बहुत बड़ा बदलाव हुआ है, इंडेक्सेशन खत्म और लॉन्ग टर्म लगा दिया है 12.5% का। नीरज जी, हाँ, हमारे सेक्टर ने ये मांगे की थी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स कम किया जाए, तो हमारे पास 3 साल की लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 3 साल का था और 20% था, उसको उन्होंने कर दिया है 2 साल और 12.5%, तो मेरे अंदाज से वो कम किया है। लेकिन इंडेक्सेशन लाने के कारण ओवरऑल जो लॉन्ग टर्म 10 साल से या 9 साल से ज्यादा जो एसेट्स हैं उसकी जो टैक्सेस होंगे उसमें बढ़ोतरी हो रही है। लेकिन एक बात आप देखें तो आज की तारीख में ये बात चलती थी कि जो इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टर्स हैं वो या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें या रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करें, एक तो कहां ज्यादा बढ़ाव मिलेगा और दूसरी बात ये थी कि जहां टैक्स ज्यादा लगेगा तो वो ये समझते थे कि रिटर्न्स की बात एक थी लेकिन टैक्स कम लगेगा, आप कैपिटल गेन्स टैक्स कम लगेगा आप स्टॉक मार्केट में करेंगे, तो इस हिसाब से रियल एस्टेट ये मांगी की थी इन टर्म्स ऑफ इट। बट ओवरऑल जो देखा जाए इन अफोर्डेबल हाउसिंग सेक्टर में जो उन्होंने कमिटमेंट किया है 10 लाख करोड़ ओवरऑल हाउसिंग के लिए करेंगे और 2 लाख 2.25 लाख करोड़ ओवरऑल करेंगे 5 साल के अंदर फॉर अफोर्डेबल, 2 करोड़ रूरल हाउसिंग और 1 करोड़ अर्बन हाउसिंग जो करेंगे, मेरे अंदाज से वो हाउसिंग के ऊपर काफी बढ़ोतरी आएगी। लास्ट 6-8 महीने में अफोर्डेबल हाउसिंग काफी कम हो गया है और डिमांड भी कम हो गया है, एक तो ब्याज बढ़ गया है, RBI के 2 साल पहले 6.5% हाउसिंग के ऊपर था, आज के तारीख में 8.5-9% हाउसिंग का है, उपरांत ये इंटरेस्ट सबवेंशन भी निकल गया है, तो ये दोनों के कारण अफोर्डेबल हाउसिंग के ऊपर काफी प्रॉब्लम रहा है ये सेक्टर को, तो ये मेरे अंदाज से PMAY स्कीम का फिर आने से कद है। और तीसरी बात रही कि जो डायरेक्शन दिए हैं स्टेट गवर्नमेंट को स्टैम्प ड्यूटी कम करने के लिए, विमेन को फैसिलिटी देने की, और ओवरऑल जो कॉस्टिंग आज की तारीख में शहर में है, जैसे मुंबई जैसे शहर में देखा जाए तो स्टैम्प ड्यूटी, दूसरे जो डेवलपमेंट चार्जेस और दूसरे चार्जेस है, आज 50% टोटल कॉस्ट घर का है वो गवर्नमेंट ड्यूटीज टैक्सेस GST और सब मिलके उसके लिए कॉस्ट है, तो मेरे अंदाज से ये एक डायरेक्शनल है स्टेट गवर्नमेंट को, क्योंकि लैंड इज अ स्टेट सब्जेक्ट, कि इसको कुछ कम करना चाहिए, तो इसलिए जो स्टेट्स एटलीस्ट BJP रूल्ड स्टेट्स हैं वो तो जरूर फॉलो करेंगे और दूसरों को शायद वो लोग इंसेंटिवाइज करेंगे कि आप ये बेनिफिट दें तो हम ज्यादा राहत ये स्टेट को देंगे, तो मेरे अंदाज से ये डायरेक्शनल काफी रहा है रियल एस्टेट में भी एंड ओवरऑल डायरेक्शन में।